जय हिंद दोस्तों. सो वेलकम बैक टू द चैनल. और आज मैं टॉपिक करने वाला टेकअप करने वाला है दैट इज योर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, जिसमें आपका बिटकॉइंस का भी कवर अप हो जाएगा एंड ऑल इट्स पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स एंड थोड़ा बहुत ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में इसमें बात करेंगे. सो इस वीडियो से पहले मैं दो वीडियोज़ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन भी कर दूंगी. आपके टेक्निकल गुरुजी की वो वीडियोस हैं, यू कैन रेफर देम. उन्होंने बहुत अच्छे से कंसेप्ट बताया है दैट इज़ योर बिटकॉइंस के ऊपर एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर. सो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं दैट इज़ योर क्रिप्टो करेंसीज के बारे में. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय क्रिप्टोग्राफी. सो क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या होता है? दैट इज़ आर्ट ऑफ राइटिंग एंड सॉल्विंग द कोड्स. क्रिप्टोग्राफी कुछ इस तरीके से है हम लोगों का. अगर सपोज कीजिए हम लोग यहाँ पे किसी को एक प्लेन टेक्स्ट भेज रहे हैं, राइट? वो प्लेन टेक्स्ट जो टेक्स्ट है हम लोगों का, सपोज कीजिए वो एम है, ठीक है? जब हम उसको इंस्क्रिप्शन मोड के अंदर उसकी इंक्रिप्शन करते हैं, इंस्क्रिप्शन, राइट? एंड उसके बाद वो बन जाता है आपका एम डैश, राइट? अब ये क्या है, ये आपका एक कोडिफाइड वर्जन हो जाता है जिसको प्रोडिक्ट करना, हैक करना, स्नूपिंग करना बहुत मुश्किल होता है. डू सर्च योर स्नूपिंग, स्निफिंग एंड फिशिंग एज वेल. ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, यू कैन सर्च देम. तो स्नूपिंग, स्निफिंग एंड फिशिंग के बारे में आप सर्च कर सकते हो नेट के ऊपर, राइट? एंड आपने ये भी देखा होगा कि आपके व्हाट्सएप के ऊपर जब भी आप चैट करते हो तो वहाँ पे आता है आपका कि एंड टू एंड इंस्क्रिप्टेड है आपकी जो जितनी भी चैट्स हैं. सो जब भी हम लोगों का इंक्रिप्टेड इंस्क्रिप्टेड होता है डाटा, तो उसके बाद हम उसको बोलते हैं दैट इज़ योर साइफर टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है जी? जब वो आपके पास आता है फिर उसके बाद वो डिक्रिप्ट होता है, ठीक है? फिर उसको हम लोग प्लेन टेक्स्ट की तरह एज आप पढ़ सकते हो. इसमें बेनिफिट क्या होता है कि अगर हम लोग एक जगह से दूसरी जगह, सपोज करो कि मैं यहाँ से पामल आपको कोई एक्स बंदे को मैं कुछ मैसेज भेज रही हूँ, राइट? और जब मैसेज भेज रही हूँ तो बीच में से कोई भी आगे आपका बंदा, ए बंदा, उसको रीड कर सकता है. इस केस के अंदर क्या है कि हम लोगों का नेट जो है आपके सर्वर्स यूज़ करता है और उस सर्वर्स के अंदर आपका डाटा निकाल सकता है. बट अगर वो डाटा हम लोगों का अगर इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा तो इट कैन नॉट बी हैक्ड आउट. तो ये हम लोगों का बेसिकली कंसेप्ट है अबाउट योर इन क्रिप्टोग्राफी. और ये इस तरीके से चलता है और इसी के ऊपर हम लोगों का बेस्ड है दैट इज़ योर क्रिप्टो करेंसी. क्रिप्टो करेंसी की अहमियत क्या है? देखिए कि अभी हम लोग लिक्विड कैश किसको बोलते हैं, दैट इज़ योर मन, उसको दैट इज़ गोल्ड को बोला जाता है, ठीक है? गोल्ड जो है हम लोगों का, क्योंकि वो लिमिटेड है, वर्ल्ड के अंदर मिलता है बट लिमिटेड है, ठीक है? जिसकी जो लिमिटेड सोर्सेज होते हैं हम लोगों के, जिसकी लिमिटेड आपकी जो कोई चीज़ है तो डेफिनेटली उसकी जो सप्लाई होगी वो कम होगी और प्राइस जो है आपके इंक्रीज होंगे. डिमांड एंड सप्लाई फार्मूला, यू कैन यूज़ इट. तो वैसे ही आपकी इंडियन, आपकी जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं, कई बार आप अगर आप ओल्ड सिविलाइजेशंस को पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर भी ये बताया जाता है कि कई लोग आपके कोको बीन्स को भी आपका एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज को यूज़ करते थे, राइट? एंड वैसे ही हम लोग देखते हैं कि हम लोग अब नया कंसेप्ट लेके आए हैं दैट इज़ योर क्रिप्टो करेंसीज के बारे में. इससे पहले मैं आपको इंस्क्रिप्शंस के बारे में एक और स्टोरी सुना देती हूँ. जो आपकी क्रिप्टोग्राफीज़ हैं, बेसिकली आपकी क्रिप्टोग्राफीज़ के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है हम लोगों की. तो माई सिस्टर वॉज एक्चुअली डिलीवरिंग हर PhD सेमिनार आपका दे रहे थे वो ऑन योर डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग. तो उन्होंने उस टाइम पे इस चीज़ को शेयर आउट किया था, तो आई रियली लाइक इट. तो एक स्टोरी है जिसके अंदर एक जो किंग होता है वो जेल के अंदर होता है, तो उसके तक उसके जो सिपाही हैं उन्होंने आपका मैसेज पहुंचाना था उसकी फैमिली ने. तो वो लोग क्या करते हैं कि आपका एक बंदा लेते हैं, राइट? एंड उसको जो है आपका गंजा करके जो है, ठीक है, उसके सर के ऊपर जो है आपका एक मैसेज डालते हैं और उसको भेजते हैं आपका जेल में किंग के पास. और किंग को पता होता है कि उसके सर पे आपका जो है मैसेज आया हुआ है, तो उसके फिर से जो है जो किंग है उसको गंजा करके उसका जो है आपका पढ़ लेता है आपका सारा का सारा आपका मैसेज वगैरह, और फिर से उसके बाल आ जाते हैं, फिर उसको वापस भेज दिया जाता है. सो ये भी एक तरीके का आपकी इंस्क्रिप्शन ही होती है, राइट? वैसे ही आपके टेबल के फॉर्म्स के अंदर भी आपके बहुत सारी ऐसी हम लोग इंस्क्रिप्ट करते थे डाटा. अब जैसे जैसे अब टेक्नोलॉजी हाई होती जा रही है, हम लोग अब ई करेंसी की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है जी? दैट इज़ बेसिकली योर पेपरलेस, कि हम लोग एक बंदे से दूसरे बंदे अगर मैंने आपको पैसे ट्रांसफर करना है तो मैं इलेक्ट्रॉनिकली कर दूँ. बट इसकी प्रॉब्लम क्या है आपके डिजिटल करेंसीज की? अगर हम लोग ऐसा कुछ करने जा रहे हैं तो क्या ये पॉसिबल होगा? क्या मैं एक मनी दो बार ही नहीं यूज़ कर सकती? सो इस चीज़ को काउंटर पार्ट करते हुए हम लोग देखते हैं कि हम लोग लेके आए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज. सो आपने जो वीडियो, अगर आप प्लीज़ गो थ्रू वंस, बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं, बेसिकली ब्लॉकचेन माइनर्स क्या होते हैं. मैं अपने स्टूडेंट्स को भी अकेडमी के अंदर वो वीडियोज़ दिखाती हूँ. ही इज़ अ वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी, बहुत अच्छे से समझाया उन्होंने. सो उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि आपको पता लग गया होगा कि डिजिटल लेजर्स क्या हैं,
ठीक है. सो अब हम लोग यूपीएससी अगर एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें सबसे पहले पता हो कि कौन सी कमेटी है जो कि आपके क्रिप्टो करेंसी के साथ डील कर रही है. तो सुभाष चंद्र गर्ग हैं जो कि इस कमेटी क्रिप्टो करेंसी के बारे में ये कंसेप्ट लेके आए, और इन्होंने बोला कि जितने भी इंटरनेशनली हम लोग क्रिप्टो करेंसीज यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ योर बिटकॉइंस, लिब्रा, राइट, एक्स वाई जेड, हमें इन सबको ब्लॉक कर देना चाहिए. और हमारी खुद की जो है आपकी नेशनल ई आपके करेंसी होनी चाहिए, खुद की, जिसको रेगुलेट कौन कर रहा है, दैट इज़ योर आरबीआई. अभी जो आपकी बिट करेंसी है, जैसे कि आपका जो बिटकॉइंस है, ये आपका आई डोंट नो कि मतलब कि वीडियो में आपने सुना होगा कि ही इज़ अ फॉल्स पर्सन, ठीक है, संतोष नामक आटू करके, ही इज़ अ बेसिकली अ जापानीज, और उन्होंने ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था आपका बिटकॉइंस को, और आज की डेट में कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है बिटकॉइंस को लेके. सो दैट इज़ द प्रॉब्लम कि कोई भी आपकी कंट्रोलिंग अनरेगुलेट है, आपका कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा. इस चीज़ से हम लोगों को बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम इसको नहीं कर पा रहे. तो उसको देखते हैं कि हम लोग क्या कंसर्न्स हैं जिसकी वजह से हम क्रिप्टो करेंसीज नहीं लेके आ रहे. तो सबसे पहले दैट इज़ योर टैक्स इन्वेजन. अगर हम लोग इंटरनेशनली मनी यूज़ कर रहे हैं तो कोई रेगुलेटर नहीं है, तो डेफिनेटली हम लोगों का कल दिन को लोग जो है इसी में ट्रेड करेंगे और अपना टैक्सेस जो है आपका बचाएंगे. दैट विल बी अगेन नॉट गुड फॉर द इंडियन इकोनॉमी. सो सेकेंड इज योर बेसिकली दैट इज़ योर साइबर सिक्योरिटी. कल दिन को बहुत सारे थ्रेट हैं हम लोगों को, कल दिन को हमारे दोबारा हैक ना हो जाए. डिजिटल लिटरेसी है बहुत बड़ा एजेंडा हमारे यहाँ पे, डिजिटल इंडिया नहीं प्रमोट हो पा रहा, हम लोग डिजिटल लिटरेसी के बारे में बात कर रहे हैं, अनरेगुलेटेड ट्रेडर्स हैं यहाँ पे. एक हम लोगों को बहुत एक कंसेप्ट है, दैट इज़ योर डार्क वेब का. डार्क वेब में क्या है कि देर इज़ अ लॉट मेनी क्राइम्स जो कि हमारे इंटरनेट के थ्रू होते हैं, ठीक है. वहाँ पे हम लोग जो है पोर्नोग्राफीज, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफीज हैं, या फिर आपके स्मगलिंग है, ड्रग्स से एसोसिएटेड चीज़ें हैं, हर एक तरीके का जो क्राइम है, दैट हैज़ बीन डन बाय थ्रू दिस. सो उसके जो पैसे हैं कई बार जो आपके लोग हैं वो बिटकॉइंस को देते हैं. सो एज विद योर टेरर फाइनेंसिंग एक पैरेलल इकोनॉमी चल पड़ेगी, मनी लॉन्ड्रिंग का इशू हो सकता है, ठीक है. प्राइवेसी जो है एक इशू हो जाएगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बात की, ठीक है, पता नहीं लगेगा कौन किसको पैसे भेज रहा है, राइट. एंड डिजिटल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों को बहुत ज़रूरत है कि हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग करें. अब जैसे आप लोगों ने वीडियो देखी होगी वहाँ पे, तो एक कंसेप्ट आता है हम लोगों का, दैट इज योर बिटकॉइन माइनर्स. जब हम लोग आपका माइन कर रहे हैं बेसिकली आपके, तो हमें बहुत सारे सीपीयू की एनर्जी चाहिए होती है, जो अगेन एनवायरमेंट के लिए सही नहीं है. सो दैट इज़ अगेन द कंसर्न पार्ट ऑफ इट, ठीक है. एंड दिस इज़ ऑल द कंसर्न पोर्शन. अब हम लोग जंप करते हैं कि पॉजिटिव्स क्या हैं. सो अगर हम लोग खुद अपनी अगर कोई भी नेशनल ई रुपया या फिर ई करेंसी निकालते हैं, दैट इज़ टोल्ड बाय आर सुभाष चंद्र गर्ग की कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी है, उसकी वजह से हम इन्फ्लेशन काफ़ी कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है. जो आपकी डबल ट्रांजेक्शन है, अगर हम एक सी दूसरी जगह पर अभी अगर हम लोग सपोज़ कीजिए, अगर आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, एक से दूसरी जगह पे अगर आप किसी को भेज रहे हो, ट्रांजेक्शन कर रहे हो ए टू बी, तो अब क्या होता है कि थ्रू योर बैंक, ठीक है, वीज़ा कार्ड होते हैं और ये सब कुछ होते हैं, तो यहाँ पे हमारी ट्रांजेक्शन कॉस्ट करती है, 0.2 भी करती हैं, 2% करता है. तो ये इससे जो है आपके बहुत सारे पैसे कमाते हैं वीज़ा जो आपकी कंपनीज़ हैं, आपके कार्ड्स की कंपनी है. सो इसको अवॉइड करने के लिए एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है आपका क्रिप्टो करेंसी, दैट इज़ योर जीरो ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी बोलते हैं हम इसको, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट. एंड रियल टाइम ट्रांजेक्शन है, साथ के साथ में हो जाते हैं, दैट इज़ द अगेन द प्लस पॉइंट. एंड काफ़ी सिक्योर भी माना जाता है, ठीक है. अगर आप एक अगर आप ब्लॉक को हटा रहे हो, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर अगर आप एक ब्लॉक को हटा रहे हो, चेंज कर रहे हो, तो पूरी की पूरी हमारी जो डिजिटल लेजर है जो आपकी ख़राब हो जाएगी. तो इससे हम इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली सिक्योर है कल दिन को. इंटरनेशनली एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, वैलिडिटी नहीं होगी इसकी, ठीक है, जल्दी से फ्लक्चुएशंस नहीं होंगी. सो दिस इज़ ऑल फॉर योर क्रिप्टो करेंसी. एंड आप यहाँ पे थोड़े बहुत और भी पॉइंट्स देख सकते हैं इसकी, जो आपकी टेक्नोलॉजी है, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर आपकी टेक्नोलॉजी है, एंड नो ग्रेवियंस और रिड्रेसल लाइक मैकेनिज्म है. ये भी एक तरीके का कंसर्न है हम लोगों का क्रिप्टोग्राफी को लेकर. सो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आएगा. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू.